Good morning, students. Now we are studying the chapter Biodiversity and Conservation. So I am proceeding with the next topic. And the topic for today is the importance of species diversity to the ecosystem. So dear children, what is given under this topic? So here is said that ki agar kisi community ke andar number of species jo hai unki hum baat karenge. तो कहते हैं कि क्या किसी कम्युनिटी के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. दिस इज अ क्वेश्चन दैट जनरली कम्स इन द माइंड ऑफ इकोलॉजिस्ट एंड बट दे आर नॉट एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दिस कि अगर किसी कम्युनिटी में कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज हैं और उनमें से अगर कुछ स्पीशीज जो हैं उनका लॉस भी हो जाता है तो क्या उससे इकोसिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कोई असर पड़ता है. तो इकोलॉजिस्ट जो है वो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाते हैं. बट सम ऑफ द इकोलॉजिस्ट दे बिलीव दैट कि ऐसी कम्युनिटीज जिनके अंदर स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है वो स्टेबल कम्युनिटीज होती हैं उन कम्युनिटीज के कंपेरिजन में जिनमें स्पीशीज का नंबर कम होता है. तो स्टेबिलिटी जो है किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी में मोर नंबर ऑफ स्पीशीज हैं या लेस नंबर ऑफ स्पीशीज है. तो जनरली इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं. व्हाट दे सेड कि एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो एक्चुअली वो कम्युनिटी होती है जिसमें ईयर टू ईयर अगर हम प्रोडक्टिविटी जो है उसको मेजर करें तो उसमें हमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं नजर आती. और एक स्टेबल कम्युनिटी हम उस कम्युनिटी को कंसीडर कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई ओकेजनल डिस्टरबेंसेस भी आती तब भी चाहे वो डिस्टरबेंसेस नेचुरल हैं या मैनमेड डिस्टरबेंसेस हैं या कोई एलियन स्पीशीज अगर उस कम्युनिटी की स्पीशीज के बीच एंटर कर जाती हैं तब भी स्टेबल कम्युनिटी जो है वो स्टेबल ही रहती है और उसके स्पीशीज पे इन ओकेजनल डिस्टरबेंसेस का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि स्पीशीज की रिचनेस जो है किसी कम्युनिटी के अंदर अगर ज्यादा है तो वो कम्युनिटी जो है वो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है. देयर वॉज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वॉज डेविड टिलमैन. और डेविड टिलमैन जो थे उन्होंने बहुत बार इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए. दीज आर द लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स. और इसमें उन्होंने कुछ आउटडोर प्लॉट्स जो है उनको स्टडी किया. और जब उन्होंने इन आउटडोर प्लॉट्स को स्टडी किया तो उसके बेसिस पे टिलमैन जो है उन्होंने ये बताया कि मोर स्पीशीज अगर होती हैं किसी कम्युनिटी में तो उस कम्युनिटी की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है. और एक स्टेबल कम्युनिटी जो है उसमें टोटल बायोमास प्रोडक्शन जो है ईयर टू ईयर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती है. कहने का मतलब ये है कि अगर डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वो हमें हायर मिलती है. तो नाउ देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कम्स इन आवर माइंड कि स्पीशीज रिचनेस जो है उसका किसी इकोसिस्टम जो है उसकी वेलबींग के साथ क्या कनेक्शन है. रिच बायोडाइवर्सिटी जो है क्या वो इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एसेंशियल है. क्या ह्यूमन रेसेस जो हैं उनके सर्वाइवल के लिए प्लैनेट अर्थ के ऊपर रिच बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है. मतलब कहने का मतलब है कि क्या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी रिच बायोडाइवर्सिटी जो है उससे अफेक्टेड होती है. और अगर किसी वजह से वो बायोडाइवर्सिटी जो है या स्पीशीज रिचनेस जो है अगर कम हो जाती है तो क्या ह्यूमंस जो कि चीफ स्पीशीज हैं इकोसिस्टम की या प्लैनेट अर्थ की उनके ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा. देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में आता है कि आप हम ये जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं और वहां पे एम्फीबियंस की स्पीशीज जो है वो ज्यादा है. तो कहते हैं कि अगर कोई ट्री फ्रॉग स्पीशीज जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर अगर लॉस्ट हो जाती हैं किन्हीं कारणों से तो क्या उसे वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनके इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट होगा कोई सीरियस इफेक्ट होगा.
और अगर वो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि भाई 20,000 स्पीशीज हैं एंट्स की, और अगर वो 20,000 स्पीशीज एंट्स की कम होकर 15,000 रह जाए तो क्या इकोसिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग जो है उस पे उसका कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं इनका जवाब जो है, इसका जो आंसर है वो हमें एक इकोलॉजिस्ट जो स्टैनफोर्ड के थे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरिच, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है। द नेम ऑफ दैट हाइपोथेसिस इज राइबर पॉपर हाइपोथेसिस। राइबर राइबर पॉपर हाइपोथेसिस जो है उसमें पॉल जो है उन्होंने ये बताया कि सपोज करिए कि आप किसी एयरप्लेन जो है उससे जा रहे हैं, और एयरप्लेन जो है वो यहाँ पे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एयरप्लेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन्हें थाउजेंड्स ऑफ राइबर्ट्स की हेल्प से जोड़ा गया है। मतलब हर एक पार्ट जो है उसको एक राइबर्ट की हेल्प से ज्वाइन किया गया है। और मान लीजिए कि उसमें जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एक बैड हैबिट है, वो क्या करते हैं पार्ट्स जो है उसमें से राइबर्ट्स जो है उनको रिमूव कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं प्लेन के उसमें से जब वो राइबर्ट्स रिमूव करते रहेंगे तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब प्लेन जो है अपने पार्ट्स जो हैं उनके निकलने की वजह से वो वीक होता चला जाएगा। तो कहते हैं ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने राइबर्ट जो है वो कौन से पार्ट से हटाया है प्लेन के। अगर तो उन्हें राइबर्ट जो है वो प्लेन जो है उसके विंग्स में से हटाया है तो उसका जो है प्लेन सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा थ्रेट है, पर अगर कुछ राइबर्ट्स जो है वो विंडोज सीट्स जो है उनमें से हटाए गए हैं तो वो कंपैरेटिवली उतने ज्यादा जो है डेंजरस नहीं है। मतलब इस पूरी राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस की हेल्प से पॉल आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे एयरप्लेन जो है वो एक इकोसिस्टम है, और जो हम कहते हैं कि इकोसिस्टम के जो पार्ट्स है उन्हें राइबर्ट्स की हेल्प से ज्वाइन किया गया है, वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब वो कहता है कि हर एक स्पीशीज जो है वो इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, पर कुछ स्पीशीज जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करती हैं, और इकोसिस्टम की हेल्थ उन स्पीशीज के होने पर डिपेंड करती है, और इसीलिए वो उस इकोसिस्टम की स्पीशीज होती हैं। जैसे अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहाँ एम्फीबियंस की स्पीशीज जो है वो की स्पीशीज है। वैसे तो और भी बहुत सारे स्पीशीज हैं, पर अगर एम्फीबियंस की स्पीशीज जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया की मेन स्पीशीज है और उनको किसी तरह से लॉस्ट होता है तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वो यही समझाना चाहता है कि अगर विंग्स में से राइवर्ट्स निकाले जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लेन सेफ्टी जो है उसको लेके क्वेश्चन मार्क है, और अगर वही राइवर्ट्स जो हैं उनको विंडोज में से निकाला गया है या किन्हीं सीट्स में से निकाला गया है तो वो भी एक तरह का लॉस जरूर है पर वो उतना डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पे विंग्स से निकाले गए राइबर्ट्स जो हैं वो की स्पीशीज को डेजिग्नेट कर रहे हैं कि अगर की स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इकोसिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो हर एक स्पीशीज जो है उसकी वजह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है, पर इकोसिस्टम में आने वाली ये डिस्टर्बेंस तब क्रिटिकल हो जाती है जब उसकी मेन स्पीशीज या की स्पीशीज जो है वो यहाँ पर जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है या थ्रेटेंड स्पीशीज या इनडेंजर्ड स्पीशीज बन जाती है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हियर व्हाट इज सेड दैट कि हमें जो है इस बात का 100% श्योर है कि फ्रॉम द लास्ट फ्यू सेंचुरीज स्पीशीज का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, पर अगर हम स्पीशीज जो है उनके एडिशन की बात करें तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है न्यू स्पीशीज का ऑरिजिन जो है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। मतलब हर रोज बहुत ही धीरे धीरे स्पीशीज जो है वो इकोसिस्टम में ऐड हो रही है, पर पहले से एग्जिस्ट होने वाली स्पीशीज बहुत अलार्मिंग रेट से इकोसिस्टम में से एक्सटिंक्ट हो रही है। तो कहते हैं कि पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ जो है प्लैनेट अर्थ की वो अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसके पीछे जो है जो रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमंस जो है वो हमेशा से ग्रीडी रहे हैं और अपने खुद के वेलफेयर के लिए वो हमेशा स्पीशीज जो है चाहे प्लांट स्पीशीज हैं
चाहे एनिमल स्पीशीज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पैसिफिक आइलैंड्स, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं, जब वहां पे ह्यूमंस ने आके रहना शुरू किया तो वहां पे 2000 स्पीशीज जो नेटिव बर्ड्स की स्पीशीज थी वो उस एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एंड 2004 के अंदर इसने एक रेड लिस्ट जो है वो तैयार की। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट उसमें बताया गया है कि 784 स्पीशीज जो हैं, जिनमें से 338 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज हैं और 87 प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो पिछले 500 इयर्स के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस जो हैं जिनके हुए हैं उसमें डोडो बर्ड आता है जो मॉरिशियस का रहने वाला था, क्वागा आती है जो अफ्रीका की थी, थैलासीन इज देयर ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता था, स्टीलर्स सी काओ जो रशिया के अंदर हुआ करती थी, और 3 सब स्पीशीज जो हैं टाइगर की, जिसमें बाली टाइगर, जावन टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर्स, ये अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो पिछले 20 इयर्स के अंदर ही 27 से भी ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो प्लैनेट अर्थ जो है उससे डिसअपियर हो चुकी है। और कहते हैं कि अगर केयरलेस केयरफुल तरीके से हम जो है एनालिसिस करें तो देर आर सो मेनी टैक्सास, बहुत सारे ऐसे टैक्सास हैं जो कि एक्सटेंशन जो है उसका जो खतरा है उसको महसूस कर रहे हैं। और उसमें से एम्फीबियंस की स्पीशीज जो है वो सबसे पहले आती हैं, विच आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन। और इसी के साथ कहते हैं कि 15,500 स्पीशीज जो है वो एक्सटेंशन का थ्रेट जो है उसको फेस करती। एंड प्रेजेंटली 12% बर्ड्स की स्पीशीज, 23% मेमिलियन स्पीशीज एंड 32% स्पीशीज एम्फीबियंस की, प्लस 31% स्पीशीज जिम्नोस्पॉर्म्स की जो है वो एक्सटेंक्शन का थ्रेट जो है वो फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सटेंक्शन जो है स्पीशीज का पहले नहीं हुआ, जैसे कि वी हैव स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स, और जिससे हमें ये पता लगता है कि लार्ज स्केल लॉसेस हुआ है स्पीशीज का पहले भी। पर पिछले लॉन्ग पीरियड में अगर हम बात करें तो स्पीशीज जो है उसमें 5 बार जो है मास एक्सटिंक्शन जो है वो हो चुका है, पर ये 6th एक्सटिंक्शन जो है वो पिछले 5 मास एक्सटिंक्शंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसके पीछे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ह्यूमंस का है। तो अगर वो कहता है कि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट जो है वो 100 to 1000 टाइम फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम में जो एक्सटेंशन हुआ है उसके कंपैरिजन में। तो देर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस। बट बिफोर दिस कहते हैं कि अगर किसी रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें डिक्लाइन आता है, प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की, बायोमास प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। सेकेंड थिंग इज कि लो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटर्बेशंस सच एज ड्रॉट, अगर प्लांट्स जो हैं या प्लांट स्पीशीज जो है एक्सटेंक्शन होगा तो उसकी वजह से ड्रॉट्स वगैरह जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। एंड देन वन अनदर थिंग इज कि इंक्रीज वेरेबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकल्स। तो अनदर रीजन जो है वो ये भी हो सकता है कि इकोसिस्टम जो है उसमें वेरिएशंस वेरेबिलिटी जो है वो बढ़ती है कुछ प्रोसेसेस की वजह से प्लांट प्रोडक्टिविटी को लेकर, ठीक है। वाटर जो है उसमें भी चेंजेस आते हैं इकोसिस्टम में, और जो है पेस्ट और डिजीज साइकल्स जो है वो ऑपरेटिव हो जाते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि द मेन रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देर आर 4 मेजर कॉजेस जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होता है। एंड द फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हियर ही सेड दैट कि दिस इज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं।
और हैबिटेट लॉस जो है उससे रिलेटेड जो एपिसोड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, जिन्हें कि हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नेम से जानते हैं। तो एक ऐसा टाइम था जब ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के लैंड सरफेस का 14% जो है उसको कवर करते थे, पर अब ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये अर्थ पे केवल 6% रह गए हुए हैं। तो कहते हैं कि व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को रीड करते हुए कंप्लीट भी कर लेंगे तब भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है उसका एक लंबा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो मतलब इनका एक्सटिंक्शन, इनका जो लॉस है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का वो इतनी तेजी से हो रहा है। ये माना जाता था कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है प्लैनेट अर्थ जो है उसके लंग्स की तरह है, इतनी ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करते हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से दिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दे नाउ गेट डिस्ट्रॉयड। एंड व्हाट इज द रीजन हियर, इनको डिस्ट्रॉय करके वहां पे क्या हो रहा है? तो वहां पे सोया कल्टीवेशन हो रही है, सोयाबीन्स जो उनको कल्टीवेट किया जा रहा है, एंड इन फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर करके वहाँ ग्रासलैंड्स जो है वो डेवलप किए गए हैं फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। बीफ कैटल मतलब ऐसे एनिमल्स जो हैं उनको तैयार करना होता है जिन्हें लेटर लेटर ऑन जो है बीफ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, जब एनिमल्स जो हैं उनके हैबिटेट्स जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, यानी उनके हैबिटेट्स जो हैं उनको हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो उस केसेस में बहुत सारे स्पीशीज जो हैं वो थ्रेटेंड स्पीशीज बन जाती हैं। बिकॉज कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हैबिटेट्स जो है वो हैबिटेट्स के फॉर्म में बिगर टेरिटरीज चाहती हैं और उन्हें स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो है वो नहीं चाहिए, वो बिगर टेरिटरीज चाहते हैं अपने हैबिटेट के फॉर्म में, उन्हें लार्ज टेरिटरीज में घूमना पसंद है। जैसे हम मैमल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, तो ये जो है लार्ज टेरिटरीज में घूमने वाले एनिमल्स हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो जब हम इनके हैबिटेट्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करके उनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना देते हैं तो उस केस में ये बर्ड्स जो होते हैं इन्हें अपने हैबिटेट को छोड़ के जाना पड़ता है और ये मैमल्स और बर्ड्स जो है वो बैडली इफेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जाती है। सेकेंड रीजन जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एज यू नो दैट कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रीडी नेचर रखते हैं और ह्यूमंस जो है वो अपनी सारी नेसेसिटीज के लिए, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, ह्यूमन फूड के लिए नेचर पे डिपेंडेंट है, शेल्टर के लिए। तो ये जो उनकी नेसेसिटीज हैं, जो उनकी नीड है, वो अब ग्रीड के अंदर बदलती जा रही है और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो नो व्हाट हैपन कि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो ह्यूमन के ग्रीडी नेचर की वजह से पिछले 500 ईयर्स के अंदर जो है एक्सटिंक्शन तक पहुंच चुकी हैं। तो इसमें से कुछ स्पीशीज इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि स्टेलर सी काउ जो रशिया को बिलोंग करती थी, एंड देयर इज अ पिजन जिसको पैसेंजर पिजन कहते थे, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। और बहुत सारी मैरीन फिशेज जो हैं उन्हें वर्ल्ड के अंदर जो है हार्वेस्ट किया जा रहा है एक्वा कल्चर्स के अंदर या पिसी कल्चर्स के अंदर, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कमर्शियली, उनको जो है मार्केट में सेल करने के लिए इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी मैरीन फिशेस जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो। एंड थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी एरिया की नेटिव स्पीशीज नहीं होती, वो स्पीशीज जो कहीं बाहर से आई हैं, या तो वो अनइंटेंशनली उस हैबिटेट में एंटर कर गई हैं या फिर जो है उन्हें जो है उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर एंटर करवाया गया है। तो ये स्पीशीज एलियन स्पीशीज हैं। जैसे ही ये स्पीशीज जो हैं वो पर्टिकुलर हैबिटेट में एंटर करती हैं तो ये उनकी वजह से वहाँ की जो इंडिजीनियस स्पीशीज होती हैं उनका एक्सटिंक्शन होने लगता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है। जैसे कि लेक विक्टोरिया का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के अंदर, देयर वॉज अ लेक, देयर इज अ लेक विक्टोरिया, और यहाँ पे नाइल पर्च जो है फिशेज जो हैं दे आर द डोमिनेंट स्पीशीज, सॉरी नाइल पर्च जो है उसको लेक विक्टोरिया जो है उसके अंदर जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी फिशेज की, सिकलेट फिशेज, तो 200 स्पीशीज जो है सिकलेट फिशेज की वो नाइल पर्च जो है उसको लाया गया जब लेक विक्टोरिया में, तो उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो। उसी तरह से देर आर सो मेनी इन्वेजिव
स्पीशीज, अनवांटेड प्लांट्स की, जैसे कैरेट ग्रास की स्पीशीज है जिन्हें पार्थेनियम इंडिकम कहते हैं, लांटाना स्पीशीज है, और वाटर हाइसेंथ स्पीशीज हैं जिन्हें आइकॉनिया क्रैप्सिस कहते हैं। जब इन्हें जो है इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी वजह से भी बहुत सारी नेटिव स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। एंड रिसेंटली देयर इज वन एग्जाम्पल, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिफाइनस, जिसे एक्वा कल्चर पर्पस के लिए जो है यूज किया गया, तो उसकी वजह से रिवर्स के अंदर जो इंडिजीनियस कैटफिशेज रहती थी उनका धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्शन हो गया, या फिर वो थ्रेटेंड स्पीशीज बन। फोर्थ जो पॉइंट है को एक्सटिंक्शन, दैट इज अनदर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज के साथ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में होती है, एंड दोनों ही स्पीशीज जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है ऑब्लिगेटेड मैनर में, और एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती। तो कई बार क्या होता है, अगर एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो हियर ही सेड दैट कि व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, देन इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स मीट्स द सेम फेट। अगर कोई फिश है जो किसी पैरासाइट के लिए होस्ट फिश है, और सपोज करिए कि वो फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देयर इज वन अनदर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट और उनके पॉलिनेटर्स जो है वो म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बोथ ऑफ देम दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की हम बात करें, अगर वो एक्सटिंक्ट होता है तो ऑब्वियसली उसके पॉलिनेटर्स जो हैं उसके ऊपर भी एक्सटिंक्शन का इफेक्ट पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हियर वन क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड दैट व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एंड द फुल चैप्टर अगेन एंड अगेन वन थिंग इज रिपीटेड कि हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना। तो कहते हैं कि क्यों कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी, तो उसके कई कारण हैं और कुछ कारण जो इसमें बहुत ही ऑब्वियस हैं, जरूरी हैं। एंड हियर वी हैव डिवाइडेड द रीजंस इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, सेकंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, एंड थर्ड इज एथिकल इश्यूज। तो हियर इज सेड दैट कि अगर जो है हम नैरो यूटिलिटी के आधार पे सोचें तो हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो नेचर से काउंटलेस बेनिफिट लेते हैं। नेचर जो है वो हमेशा जो है वो ह्यूमंस को कुछ ना कुछ दे रहा है, कभी वो उसको फूड दे रहा है सीरियल्स के फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, कई बार जो है उसको कुकिंग के लिए फायरवुड मिल रहा है नेचर से, फाइबर्स मिल रहे हैं क्लोथिंग के लिए, उसने अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाले टैनिंस, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनका भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। तो 25% ड्रग्स जो हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मार्केट्स के अंदर जो हैं यूज किए जाते हैं वो प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, और 25,000 स्पीशीज प्लांट्स की जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज की जाती रही है नेटिव पीपल्स के द्वारा। तो कहते हैं कि हमें जो है फॉरेस्ट जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है उसको इसलिए कंजर्व करना है बिकॉज ये सारे बेनिफिट्स जो हैं हम उनसे हमेशा लेते रही हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो बहुत हो सकता है कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजफुल प्लांट जो है अभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो सकते हैं, अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ना किया तो हम इन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको लॉस्ट कर देंगे, खो जाएंगे हमेशा। तो इसीलिए कहता है कि हमें जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना है, अगर हम नैरो व्यूज के हिसाब से सोचें तो ये रीजंस है, और अगर हम थोड़ा ब्रॉड यूटिलिटी के आधार पे सोचें तो हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना है, तो उसके पीछे के कारण ये भी हो सकते हैं कि अगर हमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अर्थ जो है उसके एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन जो है उसको ऐड करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी हम जो है अर्थ से या नेचर से सर्विसेज ऑप्टेन करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
अगर हम मार्केट में या हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड करें तो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट एंड स्टिल इट इज नॉट श्योर कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर नेचर से आपको प्लांट्स जो हैं वो इतने ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या उनको बचाना आपकी ड्यूटी नहीं है? तो कहते हैं कि पॉलिनेशन जो है उसमें प्लांट्स जो हैं, पॉलिनेशन एक अनदर सर्विस है, ठीक है। पॉलिनेशन में बीज हैं, बम्बल बीज हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। उसके बाद प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, उनसे फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं और जिन्हें हम यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, और हम सारे बेनिफिट्स जो हैं वो नेचर से ऑप्टेन कर रहे हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि अगर आप महसूस करें कि एक एस्थेटिक रीजन भी है इसके पीछे, कि व्हेन यू वॉक थ्रू द वुड्स, जब हम जंगल के बीच में से, घने जंगलों के बीच में से वॉक करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। कई बार जो है हम स्प्रिंग सीजन में फूलों को, फ्लावर्स को खिलते हुए देखते हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमें बुलबुल का सॉन्ग जो है वो सुनने को मिलता है। ये सारी चीजें बड़े ही प्लेजर एंड जॉयफुल मोमेंट्स जो हमको शो करती हैं। तो ये कारण है जिस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि देयर इज वन एथिकल आर्गूमेंट एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। और उसमें तो आपको ये बताना चाहता है कि आप जो हैं वो पूरे प्लैनेट अर्थ पे अकेले नहीं आए थे। आपके साथ मिलियंस ऑफ इयर्स पहले प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब की स्पीशीज जो हैं वो भी आई थी। तो जितना आपका प्लैनेट अर्थ के ऊपर हक है उतना इन प्लांट, एनिमल और माइक्रोब स्पीशीज का भी है। एंड यू हैव मोर राइट कि आप जो हैं इन सबको जो है डिस्ट्रॉय करके प्लैनेट अर्थ जो है उसके ऊपर बने रह सकते हैं। बिकॉज इफ यू डिस्ट्रॉय अदर स्पीशीज, अगर आप उनको थ्रेटेंड बना देंगे या इंडेंजर स्पीशीज बना देंगे या उनका एक्सटिंक्शन ही कर देंगे अपनी इंटरफेरेंस की वजह से, तो आपका एग्जिस्टेंस जो है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम जब प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट हुए थे, आपने एक हरे भरे प्लैनेट अर्थ को देखा था जिसमें न्यूमरस स्पीशीज थी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ऐसा ही जो है एक जॉयफुल प्लैनेट अर्थ जो है उसको आपको अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी देना है। इसी बात को ध्यान में रख के आपको प्लैनेट अर्थ जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व कैसे करें? तो कहते हैं कि एक बहुत सिंपल सी जो व्यू है वो हमारे माइंड में आता है कि अगर हमें जो है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। सपोज करिए हम एक एनिमल की बात करते हैं कि भाई टाइगर जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है और हम टाइगर जो है उसको बचाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि पूरे फॉरेस्ट को बचा लो। अगर आप पूरे फॉरेस्ट को बचा लेंगे तो टाइगर अपने आप ही बच जाएगा। तो ये जो अप्रोच है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको कहते हैं इन सीटो कंजर्वेशन। इन सीटो कंजर्वेशन का मतलब है कि हमने पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से नहीं निकालना, हमने उनके हैबिटेट को ही बचा लेना है। तो ऑटोमेटिकली वो स्पीशीज जो है वो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे। पर कई बार कुछ सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे एनिमल और प्लांट की जो स्पीशीज हैं वो इनडेंजर्ड स्पीशीज है एंड क्रिटिकल स्टेज पर है, थ्रेटन स्पीशीज है, तो उस केस में हम उनके हैबिटेट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि उससे वो एनिमल या प्लांट की स्पीशीज जो इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं जल्दी से। अगर हम हैबिटेट को बचाएंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तब तक एनिमल या प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। तो उस केस में हम इन सीटो कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, हम वहां पर एक्स सीटो कंजर्वेशन करेंगे। हम उस हैबिटेट में से उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीशीज को निकाल लेंगे और उसके बाद उसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ह्यूमन सुपरविजन में रखेंगे, और उसके बाद उस स्पीशीज का हम जो है नंबर इंक्रीज करेंगे थ्रू ब्रीडिंग। और जब उसका एक प्रॉपर नंबर रेज हो जाएगा तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में छोड़ देंगे। इसे कहते हैं एक्स सीटो कंजर्वेशन। नाउ वी आर स्टडिंग इन सीटो कंजर्वेशन इन डिटेल। एज यू नो दैट इन सीटो कंजर्वेशन में हमने
का पूरा फॉरेस्ट या किसी भी स्पेशीज का पूरा हैबिटेट जो है उसको बचाना है। तो कहते हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कंट्रीज डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। कहते हैं कि ये चीज बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है और ना ही इकोनॉमिकल है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट या पूरे हैबिटेट को बचाने में वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी और ये पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए कहता है कि हम जो हैं, अगर नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं उनको कंजर्व करना चाहते हैं, उनको एक्सटेंशन से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें बहुत ही फास्ट स्टेप्स जो है वो लेने होंगे। एंड व्हाट द नेशंस थॉट कि हम अगर हैबिटेट्स को बचाने के लिए जाते हैं तो हमारे पास इतने अच्छे फंड्स नहीं है कि वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देन वी विल सेव द होल फॉरेस्ट एज वेल एज हैबिटेट एंड देन ओनली द स्पीशीज दे गेट सेव। तो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक थिंग। अगर हम इतने वास्ट हैबिटेट्स जो हैं या फॉरेस्ट को नहीं बचा सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि उस फॉरेस्ट में ऐसे रीजंस को सेलेक्ट कर लें जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इन रीजंस को फॉरेस्ट के जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज ग्रो करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। और इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की एक खास बात है कि यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज जो है वो होती है। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और बाकी एरियाज में नहीं होती। तो इस तरह से कहता है कि डिफरेंट कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम पूरा का पूरा फॉरेस्ट या बड़े बड़े हैबिटेट्स को तो बचा नहीं सकते, पर उस हैबिटेट्स में हम छोटे छोटे से पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहेंगे। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी में या स्पेशीज रिचनेस में बहुत ज्यादा रिच होंगे और इन हॉटस्पॉट्स को बचा लिया जाएगा, तो ये हम इन सीटो कंजर्वेशन के अंदर कंसीडर कर सकते। तो इस तरह से 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हमको आइडेंटिफाई किया गया अर्लियर, और बाद में जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की लिस्ट जो है वर्ल्ड में वो 34 तक हो। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है स्पीशीज का लॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे भी हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है बहुत ही तेजी के साथ, स्पीशीज का लॉस भी हो रहा है। तीन हॉटस्पॉट्स जो है वो इंडिया के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं और ये हैं वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, हिमालयास। और इन्हें जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वो कंसीडर किया गया है बिकॉज इन रीजन्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो अर्थ का केवल 2% ही कवर करते हैं, पर इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी ज्यादा है कि अगर हम बड़े बड़े फॉरेस्ट या हैबिटेट्स को भी सेव करने की कोशिश करें तब तो भी हम उतनी स्पीशीज नहीं बचा सकते। अगर हम इन छोटे छोटे से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है उनको एक्सटेंशन से बचा सकेंगे। ना अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया एज यू नो दैट इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी रिच नेशन, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी रिच रीजंस हैं। और इन बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज जो हैं उसमें रखा गया है। तो इंडिया के अंदर जो है 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब ये डेटा जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा देयर इज वन अनदर थिंग, एज यू नो दैट आवर कंट्री इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर हम बिलीव करते हैं और हम नेचर जो है हमारी एंसेस्टर्स जो हैं वो हमेशा नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट करते रहे हैं। यू हैव हर्ड अबाउट सो मेनी मूवमेंट्स वेयर पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल एनिमल्स। तो उसी तरह से कहते हैं कि इंडियन कल्चर जो है वो कुछ इस तरह का है जिसमें रिलीजन को बहुत ज्यादा माना जाता है। आपने अक्सर अपने फॉरेस्ट जो है उनको विजिट किया हुआ है, एंड व्हाट यू सी कि अगर फॉरेस्ट के अंदर कहीं पे कोई टेंपल बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, तो उस मंदिर के नियर बाय जितने भी प्लांट्स होते हैं या तो एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट एरिया तक ये डिसाइड कर लिया जाता है कि यहाँ तक जो है प्लांट्स जो है उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा और इस एरिया में जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरह से इंडिया के अंदर कुछ एरियाज जो हैं वो सेक्रेट ग्रुप्स जो हैं उनका दर्जा मिला हुआ है, और ये सेक्रेट ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे मतलब
पायोस प्लेसेस हैं जहां पर की वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्वेशन करना जो है वो गॉड के विश मानी जाती है. इफ सम टेम्पल इज देयर यू आर नॉट सपोज टू डू हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स देयर एंड यू आर नॉट सपोज टू एंगेज योर सेल्फ इन कटिंग ऑफ ट्रीज. तो ऐसे कुछ सेपरेट ग्रुप्स जो है वो इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे खासी एंड जैंटिया हिल्स जो है मेघालय के अंदर, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स हैं कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र में, और सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज जो है वो मध्य प्रदेश में है. ये सारे सेपरेट ग्रुप्स हैं और ये सेपरेट ग्रुप्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे से पैचेस होते हैं जहाँ पर टेम्पल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए हैं और गॉड गॉडेस जो है उनकी वहाँ पर वर्शिप होती है और उसी वजह से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. वहाँ एनिमल्स की भी हंटिंग नहीं होती और ना ही वहाँ से ट्रीज कट किए जाते हैं. तो बेशक इसके साथ एक रिलीजियस फीलिंग जो है वो अटैच्ड है, एक ट्रेडिशन कल्चरल ट्रेडिशन जो है इसको माना गया है, पर इनडायरेक्टली जो है हाँ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो इसका कंजर्वेशन हुआ है. तो सेपरेट ग्रुप्स भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक मेथड है. देन वी आर कंसेंट्रेटिंग ऑन एक्सिटो कंजर्वेशन. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, एक्सिटो कंजर्वेशन में हम जनरली जो है ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें हम एक ऐसे एनिमल या प्लांट स्पीशीज के कंटेक्ट में आते हैं जो थ्रेटन स्पीशीज है, इंडेंजर स्पीशीज बन चुकी है, और अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको नहीं निकालते तो विद इन फ्यू डेज ये स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं और हम जो है बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते. तो हेयर वी आर नॉट गोइंग विद दैट कंसेप्ट कि हम उनका हैबिटेट बचा लें तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज अपने आप जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी. ये कंसेप्ट यहाँ नहीं चलेगा. तो इसीलिए हम इस तरह की थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल लेते हैं और उनको एक स्पेशल सेटिंग के अंदर रखते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड प्लेसेस के अंदर रखते हैं और उनको स्पेशल केयर भी प्रोवाइड किया जाता है. जैसे हमने एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए हुए हैं जिन्हें जूज भी कहते हैं, हमने बोटैनिकल गार्डन्स बनाए हुए हैं जहाँ प्लांट की स्पीशीज प्रोटेक्टेड है, हमने कुछ वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क बनाए हुए हैं जहाँ पे एनिमल्स जो हैं दे आर लिविंग इन वेल प्रोटेक्टेड कंडीशंस, दे मैन कैन नॉट डू एनीथिंग विद द एनिमल्स, वो उनको दूर से देख सकता है पर उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता. तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो कि थ्रेटेंड हैं, एंडेंजर्ड हैं, उनको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सकता है. और इससे ये होता है कि कई बार एनिमल जो होता है वो अपने वाइल्ड हैबिटेट्स में तो एक्सटिंक्ट हो चुका होता है बट इन प्रोटेक्टेड कंडीशंस में, जूलॉजिकल पार्क्स में या फिर प्लांट की स्पीशीज या तो बोटेनिकल गार्डन्स में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. और इसी के अंदर एक और चीज है एक्सिटो कंजर्वेशन में कि कुछ ऐसी स्पीशीज जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पर अर्लियर हमने क्या किया हुआ है उनके कुछ गैमेट्स जो हैं उन थ्रेटेंड स्पीशीज के या फिर कुछ स्पीशीज जो हैं उनके गैमेट्स जो हैं उनको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है बायबल फॉर्म में और लंबे टाइम तक जो है हम उन्हें फर्टाइल कंडीशंस में अंदर रख सकते हैं. इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं एंड यहाँ पर हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है. और उसमें हम क्या करते हैं गैमेट्स जो हैं एनिमल्स के, थ्रेटन्ड एनिमल्स के, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इस तरह से उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और लॉन्ग पीरियड्स के बाद भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं. उसी तरह से एग्स जो हैं उनको जो है फर्टिलाइज किया जाता है इन विट्रो कंडीशंस में, प्लांट्स जो हैं उनका भी फर्दर प्रोपोगेशन किया जाता है एक टेक्निक के जरिए जिसे टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं. इस तरह से हमने बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो हैं उनके सीड्स और गैमेट्स जो हैं उनको प्रिजर्व किया है. सीड्स प्लांट्स के स्टोर करने के लिए सीड बैंक्स बनाए गए हैं, पोलन बैंक्स बनाए गए हैं, और एनिमल स्पीशीज जो उनके गैमेट्स या एग्स जो हैं उनको स्टोर करने के लिए भी क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो उनको यूज किया गया. नाउ व्हाट इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो हियर ही सेड दैट कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती. अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. इट इज एक्चुअली द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस दैट वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
एक हिस्टोरिक कन्वेंशन जो है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, जिसका नेम था अर्थ समिट. इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज जो है उनको इनवाइट किया गया. एंड उसके बाद जो है उनको अप्रोप्रिएट मेजर्स दिए गए कि हाउ दे कैन डू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से हम नेचर जो है उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अपने बेनिफिट के लिए बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए, और कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव करके रख सकते हैं. उसके बाद एक फॉलो अप समिट हुई जिसे वर्ल्ड समिट कहा गया, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर की गई थी इन द ईयर 2002 के अंदर. एंड दिस समिट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. एंड 190 कंट्रीज जो है उन्होंने इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर उन्होंने जो है एक प्लेच ली कंट्रीज के मेंबर्स ने कि बाय द ईयर 2010 तक बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें होने वाले जो लॉसेस हैं उनको ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे जो है डिक्रीज किया जाएगा. तो इन द एंड आई वॉन्ट टू से दैट कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी शुड नॉट कंजर्व द स्पीशीज दैट आर फाउंड इन आर कंट्री, बल्कि हमें उन स्पीशीज को भी कंजर्व करना है जो वर्ल्ड जो है उनके अदर पार्ट्स में भी प्रेजेंट है. क्योंकि अगर हम बायोडाइवर्सिटी जो उसको कंजर्व करेंगे, देन ओनली हमारा ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है. दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट तो यू कैन consult me regarding that doubt. We will solve it together. Thank you so much.